हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ एसोसिएशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज हम आपको एजिप्रो टैबलेट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको एजिप्रो टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स, प्रिक्विशंस, यूजेज, साइड इफेक्ट एंड मेथड ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि एजिप्रो टैबलेट के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो कि 100 mg में अवेलेबल होता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि एजिप्रो टैबलेट को हम किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपको स्किन इन्फेक्शन हो तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका यूज चेस्ट इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम इसके मेथड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि एजिप्रो टैबलेट हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी में बैक्टीरियल सेल वाल के इन्फेक्शन को ब्लॉक करता है। नाउ फ्रेंड्स, हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप एजिप्रो टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर आपको डिजनेस हो सकता है। इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ड्रॉजनेस हो सकता है। इसके अलावा आपको नौसिया हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जाकर कंसल्ट जरूर करें। नाउ फ्रेंड्स, अब इसके प्रिक्विशंस की बात करते हैं कि अगर आप एजिप्रो टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप इस टैबलेट को खाली पेट ना लें, पहले आप सुबह उठकर कुछ डाइट लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। इसके अलावा आप अल्कोहल को अवॉइड करें। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्कोहल को बिल्कुल भी ना लें। इसके साथ साथ आप इस टैबलेट को लेने के बाद कोई भी मशीनरी चीज़ ऑपरेट या ड्राइव ना करें। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा हो तो आप उसमें भी इसका यूज ना करें। इसके साथ साथ अगर आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गया हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जाकर सलाह लें, उसके बाद इसका यूज करें। सो फ्रेंड्स, ये तो थे एजिप्रो टैबलेट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। फर्दर मोर देन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।